Hello, welcome back Happy Tech channel to all of you. So I congratulate to all of you to be here. So before going to discuss the Hindu editorial, I will tell that ki please subscribe our channel to get daily update to the Hindu editorials, both in Hindi and English. Okay, so it will be very benefit for if you are preparing for any examination, so it will be very benefit for that, because this is going to help you in the comprehension section to understand, and also how to think and how to analyze editorials. So let's start. So aaj ka basically jo hai contempt for labor, central should not allow exemptions from welfare law for worker mooted by states. इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि फर्स्ट पैरा इंग्लिश देन बी विल कन्वर्ट सेम इन टू द इंग्लिश हिंदी. ओके, लाइक वाइज सेम दिस ऑल थिंग्स विल गो अप टू द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ. ओके, सो प्लीज बी हियर. Understand, contempt for labor, center should not allow exemption from labor welfare law for worker mooted by states. श्रम के लिए योगदान केंद्र से छूट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. राज्यों द्वारा लूटे गए श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कानून. At a time when everyone is awaiting an early end to लगा के बता रहा है, the health and economic crisis caused by the global pandemic, the interest of laborers and workers are once again set to be sacrificed. Okay, ऐसे समय में जब सभी को वैश्विक महामारी के कारण होने वाले स्वास्थ्य और आर्थिक संकट के शुरुआती अंत का इंतजार है, मजदूरों और श्रमिकों के हितों का एक बार फिर बलिदान देने होना तय है. दिस स्टेटमेंट्स कन्वर्ट इनटू सेम इनटू हिंदी. के नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं. एक्चुअली इसमें मैंने समझने के लिए आसान बनाने के लिए ऐसा मैंने किया है कि पूरे जो भी पैराग्राफ्स हैं, जो भी एडिटोरियल्स हैं, उनको पैरा में तोड़ दिया है ताकि समझने में आसानी हो. तो इसमें नेक्स्ट है कि द रिवाइवल ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आफ्टर वीक्स ऑफ फोर्स क्लोज इज एंडेड अ के ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड. जबरन बंद होने के हफ्तों के बाद व्यापार और आर्थिक गतिविधि का पुरस्कार वास्तव में प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है. सेम हाउएवर हालांकि इट इज एमरोल एंड प्रिजर्व ऑन द पोस्ट फॉर पार्ट ऑफ सम स्टेट. ठीक है, टू एड्रेस दिस नीड बाय ग्रांटिंग स्वीपिंग एग्जेम्प्शंस किसके फ्रॉम लीगल प्रोविजंस एम्ड एट प्रोटेस्टिंग लेबरर्स एंड एम्प्लॉय इन फैक्ट्रीज इंडस्ट्री एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट. हालांकि कारखानों, उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों में मजदूरों और कर्मचारियों की रक्षा करने के लिए उद्देश्य से कानूनी प्रावधानों से व्यापक छूट देकर इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ राज्यों की ओर से यह सदैव सौहार्दपूर्ण और विकृत है. मध्य प्रदेश
Madhya Pradesh has embarked on a plan to give a boost to business and industry by allowing unit to operate without many of the requirements of the Factories Act. Working hour may extend to 12 hours instead of 8, and a weekly duty up to 72 hours. मध्य प्रदेश ने व्यापार और उद्योगों का बढ़ावा देने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिससे फैक्ट्रीज अधिनियम की आवश्यकताओं को बिना कई इकाइयों को संचालित किया जा सकता है। काम के घंटे बजाय 12 घंटे और साप्ताहिक शुल्क 72 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। इसमें काम शुरुआती करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। आप 8 घंटे की जगह 12 घंटा भी काम कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। किसने बोला है? गोइंग बाय चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिमार्क, इट अपियर्स दैट स्टेट हैज यूज्ड सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट which permits exemptions from its provisions for 3 months in the hope that the center would appear such suspension for at least 1,000 days. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टिप्पणी से यह प्रतीत होता है। Going by Chief Minister शिवराज सिंह चौहान remarks, ठीक है, it appears that the state has used section 5 of the act. ये राज्य ने अधिनियम की धारा 5 का उपयोग किया है, which permits exemption from its provision for 3 months, जो 3 महीने के लिए इसके प्रावधानों से छूट की अनुमति देता है, in the hope that इस द सेंटर वुड अपीयर अप्रूव सच सस्पेंशन फॉर एटलीस्ट 1,000 days, या उम्मीद में कि केंद्र कम से कम 1,000 दिनों के लिए इस तरह के निलंबन को मंजूरी देगा। हाउएवर दिस एक्सेम्पशंस कैन बी गिवन ओनली ड्यूरिंग अ पब्लिक इमरजेंसी डिफाइंड इन अ लिमिटेड वे एज अ थ्रेट टू सिक्योरिटी ड्यू टू वार और एक्सटर्नल एरेशंस, ठीक है। ये जो छूट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट 100 दिन का, ये स्पेशल प्रोविजन में ही होता है। जैसे कि ये बोला है, हालांकि दिस एक्सटेंशंस कैन बी गिवन ओनली ड्यूरिंग अ पब्लिक इमरजेंसी, यह छूट केवल सार्वजनिक आपातकाल के दौरान दी जा सकती है। डिफाइंड इन अ लिमिटेड वे एज अ थ्रेट टू सिक्योरिटी ड्यू टू वार, युद्ध के कारण सुरक्षा के लिए एक सीमित तरीके से परिभाषित या बाहरी आक्रमणकता, ठीक है। उत्तर प्रदेश हैज अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस सस्पेंडिंग for 3 years of all laborers law, save a few ones relating to the obligations of child and laborer, band laborer, woman employee, construction worker, and payment of wages, besides compensation to the workman for accident while on duty, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने 3 साल तक सभी श्रम कानूनों को निलंबित करने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। बालकों और बंधुओं, मजदूरों, महिला कर्मचारियों, निर्माण श्रमिकों और मजदूरी के भुगतान के संबंधित कुछ लोग को बचाने के अलावा ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना के लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है। Reports suggest that several states are following their examples in the name of boosting economic activity. Report यह बताती है, reports suggest that कि कई राज्य इनके उदाहरण का अनुसरण कर रहे हैं।
आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का नाम। रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट सेवरल स्टेट्स आर फॉलोइंग देयर एग्जाम्पल इन द नेम ऑफ बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी चूजिंग इन द मैनर इन विच लेबर्स लॉ ऑपरेट इन स्टेट मे रिक्वायर द सेंट्रल एसेंट्स। राज्य ने श्रम कानूनों के संचालन के तरीके में बदलाव के लिए केंद्र की सहमति की आवश्यकता होगी। On hope the center which is pursuing a labor reform agenda through consolidated code for wages, industrial relation and occupational safety, health and working condition would not readily agree to wholesale exemptions from legal safeguard and post taxation the law now afford to workers. Ek umeed hai, one hopes द सेंटर की केंद्र विच इज परसुइंग अ लेबर रिफॉर्म जो मजदूरी औद्योगिक संबंधों और व्यवसाय सुरक्षा रिफॉर्म एजेंडा थ्रू कंसोलिडेटेड कोड्स स्वास्थ्य और कामगारी परिस्थितियों के लिए संकेतित कोड के माध्यम से एक श्रम सुधार एजेंडा का पालन कर रहा है। कोड्स फॉर वेजेज इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन वुड नॉट रेडिकली एग्री टू होलसेल एग्जेम्पशन फ्रॉम लीगल सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्शन द लॉ नाउ अफोर्ड टू द वर्कर्स। एक उम्मीद है कि केंद्र जो मजदूरी औद्योगिक संबंधी और व्यवसाय सुरक्षा स्वास्थ्य और कामगारी परिस्थितियों के लिए संकेतित कोड के माध्यम से एक श्रम रोजगार एजेंडा का पालन कर रहा है कानूनी रूप से सुरक्षा उपायों को थोक दूर के लिए सहमत नहीं होगा और कानूनी अब श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। द मोस्ट एरिजिनस एसेप्ट ऑफ द कंट्री रिस्पॉन्स टू द पैंडेमिक वार इज The most anxious aspect of the country's response to the pandemic was its inability to protect the most vulnerable section and its vast underclass and laborers from its impact. महामारी के प्रति देश की प्रतिक्रिया का सबसे अहंकारी पहलू इसके प्रभाव से सबसे कमजोर वर्गों और मजदूरों के विशाल वर्ग को बचाने की असमर्थता थी। An emphasis in the initial phase was on dealing with the health crisis even when the consequence was the creation of an economic crisis. While the country watches with horror the constitution of the collective misery of migrant worker well into the threat. Third spell on the national lockdown. The attitude of the ruling class towards labor remain one of the uttar apathy bordering on contempt. Why else would a government relieve factories of even elementary duties such as providing drinking water, first aid boxes and protective equipment or suspended requirement such as cleanliness, ventilator, lighting, canteen, restroom and crèches. प्रारंभिक चरणों में जोर स्वास्थ्य संकट से निपटने पर था। जब भी परिणाम एक अर्थव्यवस्था का निर्माण था ऐसी संकट जबकि देश को बया वक्ता के साथ प्रवासी श्रमिकों के सामूहिक दुर्दशा को राष्ट्रीय लॉकडाउन के तीसरे मंत्र में देखता है। श्रम के प्रति शासन वर्ग का रवैया पूरी तरह से उदासीन है जो अवमानना पर आधारित है और क्यों ये सरकार ने प्राथमिक कर्तव्यों के कारखानों को भी राहत दी जैसा पीने का पानी प्राथमिक चिकित्सा वर्क्स और सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करना या सफाई वेंटिलेशन प्रकार
व्यवस्था कैंटीन टॉयलेट और क्रेच जैसी आवश्यकता को स्थगित करे। सो दीज आर द टुडे एडिटोरियल्स। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट डेली अपडेट। सो थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट बिलो, आई विल गिव रिप्लाई।